इस्तकबाल है आपका सुन्नत व शरीयत मीडिया और कुरान टीवी लाइव। मैं हाजिर हूँ आपका मेज़बान उमर फारूक होसेकर। हम हाजिर हैं आज का ताज़ा तरीन अपडेट लेकर। आज लातूर ज़िले में कोरोना पॉजिटिव 393 पाए गए, यानी 29/3/2021 को 393 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कल और परसों के एतबार से देखा जाए तो कोरोना की तादाद दिन ब दिन थोड़ी सी घटती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि एहतियात जब हम बरत रहे हैं, जैसे कि कलेक्टर साहब के हुक्म पर होटल्स, पान पट्टी, पान टपरी जैसे कई चीज़ें हमें बंद नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह से कोरोना के जो पेशेंट हैं वो कम होते हुए नज़र आ रहे हैं। इससे बढ़कर और एक खबर आ रही है महाराष्ट्र की परभनी से, जो फेसबुक और व्हाट्सएप पर काफ़ी वायरल हो रही है। परभनी के शिवसेना नेता सतीन सातोनकर ने एक मुस्लिम डॉक्टर की इलाज पर उनका शुक्रिया अदा किया। आइए सुनते हैं उनका ये वीडियो। महाराष्ट्राच्या सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजकीय इतिहासामध्ये परभणीच्या मुस्लिम समाजाने एका कडवट शिवसैनिकाचा जीव वाचवला। भारतामध्ये फळाला थूक दाखवून मुस्लिम समाजाला बदनाम करणाऱ्या लोकांच्या तोंडावर मी जिवंत उदाहरण म्हणून स्वतः मी आज हे घोषित करतो, मला मिळालेलं जीवन एका सच्चा इस्लामच्या फॉलोअरने दिलेलं आहे। डॉक्टर खालेक साहेब आहेत, डॉक्टर सय्यद मलिक साहेब आहेत, पाडेला हॉस्पिटलची मॅनेजमेंट आहे, माझे बालमित्र पाडेलाजी आहेत। आणि एक नक्की सांगतो, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, वेड्यासारखी माणसं आहेत, झपाटलेली माणसं आहेत, संधी मिळत नाही, हे या देशाचं दुर्दैव आहे। जात, धर्म, जन्म हा त्या माणसाचं भवितव्य, परंतु महामारीच्या काळामध्ये मी ज्या ताकदीनं बाबासाहेबांना मानणारा समाज, ज्या ताकदीनं या देशाच्या मूल प्रवाहातला मुस्लिम समाज जीव धोक्यात घालून आवलिया माणूस हा, मशिनरी नाही, यंत्रणा नाही, आपापले पैसे टाकून खाली सगळे सेट आणतायत आमचे पाडेला सेट, आणि परभणीमध्ये आज हजारो लोकांचा जीव वाचवतायत। माझी हात जोडून आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय आपल्याला विनंती आहे, परभणीकडे आपलं अत्यंत विशेष लक्ष मी वेधू इच्छितो। अत्यंत आवलिया कर्तृत्ववान माणसं माझ्या शहरामध्ये आहेत, माझी हात जोडून विनंती आहे साहेब, मी कोणत्या मंत्र्याला नाव नाही ठेवणार, आपण माझा स्वभाव ओळखता, ताकाला जाऊन गाडगा लपवणार नाही। अशा माणसांना जर आपण मदत नाही देऊ शकलो, मानवी जीवन वाचवू शकणार नाही, आणि आपण द्रष्टे मुख्यमंत्री आहात, वंदनीय शिवसेना प्रमुखांचे चिरंजीव आहात, तुम्हाला समाजाच्या पोटात काय चालतं कळतं। जातीपेक्षा माणसाची माती आणि माणसाच्या आतल्या असलेल्या ताकदीला ओळखणारा माझा नेता आदरणीय उद्धव साहेब हे न्याय देतील। आणि पुनश्च एकवार मराठवाड्याच्या या महान भूमीमध्ये मुस्लिम समाजानं केलेलं हे काम मी नतमस्तक होऊन पुन्हा त्यांना धन्यवाद देतो। आणि आज मुस्लिम समाजाने माझा जीव वाचवला, स्पष्ट पाण्यासारखं घोषित करतो। नाजरीन, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुल्के हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम कौम के नौजवान, मुस्लिम कौम के डॉक्टर्स, मुस्लिम कौम के खुद्दाम, मुस्लिम कौम के उलमा अभी भी इस मुल्क हिंदुस्तान की ऐसी महामारी के हालत में, जहां हर कोई तन्हाई में आफियत तलाश कर रहा है, हर कोई अपनी जान को बचाने के पीछे पड़ा है, ऐसे नौजवान है। इससे पहले हमने और एक खबर देखी कि नांदेड़ से आ रही थी, महाराष्ट्र के नांदेड़ में हैप्पी क्लब कैंप के नाम से नौजवान ऐसी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जो कोरोना मरीज मर जाता है उसके अंतिम संस्कार वो करते हैं, उसका अंतिम संस्कार करते हैं, उसकी नमाज जनाजा पढ़ाते हैं, जबकि कोरोना से हर कोई भाग रहा है। मुल्क हिंदुस्तान के मुसलमान और मुल्क हिंदुस्तान के नौजवान अपनी जानों को खतरे में डालकर, मुस्लिम नौजवान और उलमा अपनी जानों को खतरे में डालकर, मुस्लिम डॉक्टर्स अपनी जानों को खतरे में डालकर इस हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए और इस हिंदुस्तान के आवाम को बचाने के लिए एकजुट होकर लड़ रहे हैं। पिछले दिनों में हमने कुछ न्यूज़ सुनी
और देखी कि कुछ लोग जहर फैलाने पे तुले हुए हैं और कुछ लोग जिनकी जबानों में जहर भरी हुई है, जब मुंह खोलते हैं बस जहर बोलते हैं, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमें ऐसे लोगों से हमेशा सतर्क रहने की जरूरत है। जो हम दोनों कम्युनिटीज में, यानी मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जितनी कम्युनिटियां और 130 करोड़ जनता हिंदुस्तान के अंदर रहती है, इस जनता के अंदर बांटने का काम कर रही हैं, ऐसे लोगों से हमें बचने की जरूरत है। और ये जो एक शिवसेना नेता सतीन सातोनकर ने वीडियो में कहा, इसे गौर से सुनने की जरूरत है और इसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुल्क हिंदुस्तान के अंदर आज भी कितनी मोहब्बत बाकी है और जिसे हमें बाकी रखने की जरूरत है। फिर कभी हाजिर होंगे हम ऐसी खबर के साथ, जब तक के लिए खुदा हाफिज, अलविदा।